अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अनमोल स्मार्ट कैटल फार्मिंग यूट्यूब चैनल सेहसवान मंडी और जानवर दिखा रहे हैं आपको। ये देखें, लोड हो के जा रहे हैं वापस लुधियाना ब्रीड के। ये बकरे हैं, वाइट आइज, गुलाबी नोज, गुलाबी कान, गुलाबी जल्द। क्या हाल है, कैसे हो सर? वापस जा रहे हैं घर दोस्तों। जो ही आप सेहसवान मंडी से एंटर होते हैं तो आपके दाएं जाने जो एरिया है वो बकरियों का है। यहाँ देसी ब्रीड की बकरियाँ, देसी, सब देसी ही हैं बकरियाँ। यहाँ पे रुझानी भी आती हैं, यहाँ पे राजनपुरी भी आती हैं और बर्बरी भी आती हैं, क्रॉस बकरियाँ भी आती हैं, रहीमिया खां बीतल भी आती हैं। रहीमिया खां बीतल की जो बकरियाँ हैं ब्रीड की, वो सेम रुझानी नस्ल से मुशाबहत रखती हैं, लेकिन इनके कलर ब्लैक होते हैं, कद वैसे ही ऊंचे होते हैं उनके रुझानी की तरह, लेकिन इनकी जो कलर होते हैं वो ब्लैक होते हैं। और इसी तरह वो जो हासलपुर की ब्रीड है मक्खी चीना, वो भी इसी से मिलती जुलती है, बड़े कद की और बड़े जिसामत के जानवर होते हैं रहीमिया खां बीतल और राजनपुरी, और वो हासलपुरी जो बकरे हैं बड़े कद के बड़े जिसामत के होते हैं। तो गर्मी बहुत हो चुकी है, मैं सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा था कि कुछ दोस्त पूछते हैं कि क्या बकरियां भी होती हैं, क्योंकि अक्सर हम वीडियो लगाते हैं बछड़ों की, तो दोस्त ये ख्याल करते हैं कि शायद यहाँ सिर्फ बछड़े ही हैं। दोस्तों यहाँ पे काटू माल भी होता है, भैंसें भी होती हैं, गायें भी होती हैं, बकरे भी होते हैं, भेड़ें भी होती हैं, और सारे किस्म के जानवर बिकते हैं। पंजाब और कराची से लोग आते हैं काटू माल लेने यहाँ पर, कुर्बानी का भी होता है और काटू भी बहुत होता है। ये मुझे जानवर सींगों से सिंध के लग रहे हैं, नवाब शाह की जो बकरियां होती हैं वो इस तरह के सींगों में होती हैं। ये सींग चेक कर रहे हैं आप, ये कर्व वाले गोल गोल सींग। क्या जी आप अगू आ गई, तुम क्या मांग रहे हो इनके? आपके जानवर? हाँ आपके जानवर हैं जी जी। क्या मांग रहे हो? ये 48-48 पुट्ठे का, कितने कितने वजन में होंगे ये? ये वजन मान का है, कोई 30 किलो का है, 35 किलो का। जिंदा वजन? ये गोश्त का वजन बता, गोश्त एक मन 30-35। जिंदा तो 60-65 किलो है। अच्छा, किस नस्ल के जानवर हैं ये? कुछ है नवाबशाही यही है ना? आप वहाँ से लेके आते हैं या यहाँ किसी के पास? खुद पाले वाले। अच्छा, ब्रीडर रखा हुआ है भाई ने खुद पाले हैं, कहते हैं जी ब्रीडर रखा हुआ है नवाबशाही। जो मेरा ख्याल था कि ये सिंध के जानवर हैं, तो वही बात है, प्रिंट और सींगों का डिज़ाइन ये सिंध के जानवर हैं, नवाबशाही इनको बोलते हैं। बकरियों का एरिया भी बहुत बड़ा है, अभी तो काफ़ी टाइम हो चुका है, खाली हो गई हैं मंडियाँ, गाड़ियाँ भर भर के चली गई हैं और कुछ लोग वापस चले गए हैं। क्या मांग रहे हो चाचा इसके? 14,000। 3 किलो का होगा गोश्त इसमें बकरे में, 3। हाँ 14,000 मांग रहे हैं जी चाचा जी। क्या शायद मुझे समझ नहीं है इनके रेट्स की, क्योंकि मैंने कभी खरीदे बेचे नहीं हैं बकरे, तो मुझे समझ नहीं है। क्या मांग रहे हो इसका, क्या मांग रहे हो? 21,000। कितना गोश्त होगा? 18-20 किलो, 8-10 किलो तो हो सकता है। 21,000 बकरी है जी। ये देखें जी, 11,000 इसका मांग रहे हैं। वीडियो में शायद आपको बड़ी लग रही हो, लेकिन ये इसको तोला जाए तो 6 किलो की होगी। ये देखें जनाब, बछड़े अबलग ब्रांड में हैं, ये क्रॉस ब्रीड के बछड़े रहीमिया खां बीतल के क्रॉस में हैं, प्रिंट मुख्तलिफ हैं। 40-40 हज़ार पुट्ठा डिमांड कर रहे हैं, 50-50 किलो शायद लाइव वेट होगा इनका, 40-40 हज़ार। वो तो कह रहे थे मुख्तलिफ, लेकिन एवरेज लगा रहे हैं, वो कह रहे 40 की। क्या मांग रहे हैं उसके?
28,000 जिंदा बकरा 28,000 ये दाने दो फिर ज़्यादा दे जाएगा, 60 दे जाएगा ये। क्या मांग रहा है ये? क्या मांग रहा है? इंदा 55 इंदा 36 और 55,000 वजन का मुझे अंदाजा नहीं है। केड़ी नस्ल लेने जानवर वजन करी प्योर प्योर का बना रात वो अच्छा टाइप है। अच्छा कितने ने दा जानवर ने क्या मांग रखे दादा ये दोस्तों एक भाई बता रहे हैं एक मन पक्का है एवरेज वजन इनका गोश्त में 47,000 रुपये मांग रहे हैं फी जानवर का कितना मांग रहे हैं ये देख लें आप। क्रॉस ब्रीड के हैं कोई ब्रीड प्योर नहीं है इनमें 10 बकरे हैं ये। बहुत ज़्यादा रेट है मेरे हिसाब से या फिर मुझे लग रहे हैं जब बंदे को किसी चीज़ की कदर का पता ना हो या उससे मालूमात ना हो उसकी तो फिर ऐसी बातें जहन में आती हैं शायद जो मेरे में आ रही हैं कि ये बहुत ज़्यादा रेट है। मुझे इस बात का तजुर्बा इसलिए है कि बछड़ों की जो वीडियोस होती हैं उन पर ऐसे कमेंट आते हैं मुमकिन है उन्होंने ऐसे ख़रीदे भी हों इससे करीब करीब और कुछ खर्चे भी होते हैं इनके तो खर्चे और ख़रीदारी डाल के फिर मुनाफा भी लेना होता है। 43 की एवरेज से ये 10 बकरे जो हैं ये ऑफर करवा रहे हैं भाई। जो मेरे साथ रही जी भी देखते हैं और भी एक ये खड़ी है कितने बच्चे हैं क्या वजन है अंदाजा गोश्त तकरीबन 50-45 50 किलो से 45 किलो तक 45-50 और रेट क्या 90 के करीब एवरेज एवरेज रेट यही है। इसका सिंग टूट गया आज झूठा बना देना तो ठीक हो जाए। 90 की रेंज में है जी कुछ सिंध की ब्रीड के बकरे हैं ये 45-50 के जी वज़न तो इन्होंने सही बताया है इतने में होंगे ये। वो पीछे जो दोस्त ने बताया वज़न वो बहुत कम है एक मन वाला ये हो सकते हैं 45-45 के जी के और 90,000 पुट्ठा डिमांड है। ये देख लें वाइट कलर के रुझानी क्रास में है ज़्यादातर प्योर रुझानी नहीं कह सकते सॉरी रुझान जो है वो डिस्ट्रिक्ट राजनपुर की तहसील है। ये हैं बछड़े हाँ वो भाई बता रहे हैं कि सुबह से बंधे हुए हैं इधर भूखे हैं कमज़ोर बाकी इनके पास सही है जानवर जब खड़ा रहता है तो फिर कमज़ोर लगता है जब खा भी लेता है तो फिर मोटा लगता है। कुछ जानवर इनके पास ये भी हैं तो मुझे दिखाने का मकसद ये है आपको कि इस तरह के बकरे भी आपको शेख खान मंडी रहीमयार खान में मिल जाएंगे। दोस्तों इसी के साथ इजाज़त ये कुछ मोटर वाले बकरे क्या मांग रहे हैं उनके जोड़ी के जोड़ी तो है किलो एक 10-55% हजार ये देख
ये जोड़ी की डिमांड है 110। दोनों कारोबारी बंदे हैं प्रोफेशनल, इनको पता चल जाता है हाथ लगा के ये कितने गोश्त में है, और उसी हिसाब से ये कैलकुलेशन कर लेते हैं कि ये गोश्त इतना है तो इतने में लेना चाहिए। इनके सौदे एक मिनट में होते हैं, दोनों को समझ होती है चीज़ की मार्केट वैल्यू की। जब ये चीज़ का पता हो तो फिर सौदे मिनटों में होते हैं। अनजान बंदा जो है ना वो सोचता रहता है, घबराता रहता है, वो सोचता है कि मुझे कहीं टीका ना लग रहा हो। क्या डिमांड है जी जोड़े की? जोड़े की 135। बड़े बकरे हैं ये। इनका सौदा उनसे नहीं हुआ शायद, आ गए हैं या फिर खरीद लिया होगा तो वो कोई ले गया होगा ट्रक खिंचाने के लिए। अब इनसे बात हो रही है इनकी, 135 का जोड़ा ये। आपके हैं ये, क्या मांग रहे हो जोड़ी के? 1,20,000। 60,000 डिमांड है ये। वो भाई एक कमेंट करते थे कि हमें बकरियाँ दिखाएं, उनके लिए ये वीडियो। आप इस तरफ देखते हैं मालिक खड़े हैं। आपके हैं भैया, आपके हैं 5 बकरों के, क्या मांग रहे हैं? 55। ये देखें जी 55 डिमांड है, 5 बकरे हैं ये। ये भी एक एक मन गोश्त में हो सकते हैं, 3 ये भी खड़े। क्या मांग रहे हो? बिक गए हैं जी, बिक गए हैं जी, बिक गए हैं ये 3 बकरे, 4 हैं बल्कि एक वो भी खड़ा साथ। तो दोस्तों जी के साथ इजाज़त, आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और दुआ है अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, खुश रखे। आपका तआवुन हमारे साथ यही होगा कि वीडियोस को आखिर तक देखा करें और शेयर भी किया करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।